विशाखापट्टनम के लिए एक नई सुपरफास्ट ट्रेन का सौगात रेलवे की तरफ से यात्रियों को दिया गया है और इस वीडियो अपडेट के माध्यम से बात करेंगे इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। भारतीय रेलवे की तरफ से एक नई सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू किया जाना है जो कि विशाखापट्टनम के लिए चलाई जाएगी। विशाखापट्टनम के लिए इस ट्रेन का संचालन ट्रेन नंबर 08525 के साथ अराकू रेलवे स्टेशन से किया जाएगा और पूरी तरह से रिजर्वेशन कैटेगरी की इस ट्रेन का संचालन अक्टूबर के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। विशाखापट्टनम के लिए यह ट्रेन दोनों ही दिशाओं में चलेगी, साथ ही इस ट्रेन का संचालन विशाखापट्टनम से 8:30 पर सुबह में किया जाएगा चालू और यह ट्रेन 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक दोनों ही दिशाओं में चलेगी, जो कि यह ट्रेन अराकू रेलवे स्टेशन 11:30 पर सुबह में उसी दिन पहुंचेगी। इसके अलावा यह ट्रेन दूसरे दिशा में ट्रेन नंबर 08526 के साथ अराकू रेलवे स्टेशन से दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेगी और यह ट्रेन विशाखापट्टनम 6 बजे शाम में उसी दिन पहुँचेगी। इस ट्रेन के स्टॉपेज के डिटेल्स की बात करें तो यह ट्रेन कोटा वालसा के रास्ते चलेगी। इसके अलावा इस ट्रेन के सुविधा के डिटेल्स की बात करें तो कोच कंपोजिशन में इस ट्रेन के यात्रियों के लिए एसी सेकेंड टायर का एक कोच, एसी थर्ड टायर का एक कोच सहित स्लीपर के 10 कोच के अलावा जनरल के 4 कोच का सुविधा दिया गया है। हालांकि यह ट्रेन पूरी तरह से रिजर्वेशन कैटेगरी की स्पेशल ट्रेन होगी जिसका संचालन इस रूट पर रेलवे शुरू करने जा रही है। फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और आने वाले नए ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।